ट्रिपल आई टी लखनऊ ओवर द ईयर्स हैज ग्रोन अ लॉट प्लेसमेंट्स भी उसके बहुत अच्छे रैपिडली चले जा रहे हैं जो उसका नेगेटिव पॉइंट सुनाई दे रहा है दैट इज़ कि उसका कैंपस छोटा है एंड देर इज अ लॉट लेस कल्चरल लाइफ बट आई थिंक सो फ्रॉम अ फ्रॉम अ काउंसलर्स परस्पेक्टिव मेरे को यह बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव लग रहा है कि स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है बट एज अ टीचर एज अ काउंसलर आई डोंट थिंक सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू कम्पेयरड टू की कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है एंड द स्टूडेंट्स दैट यू आर विद उनकी रैंक्स कितनी हाई हैं तो आप टूगेदर यू कैन ऑलवेज़ हैव अ कम्यूनिटी आपस में मिलकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर जो ब्रांच हम अभी बात वट वी आर डिस्कसिंग अभी हम कर रहे हैं दैट इज़ ट्रिपल आई टी लखनऊ में कम्प्यूटर साइंस तो कम्प्यूटर साइंस इनके यहाँ जो आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सिलेबस यू विल नॉट फाइंड आपको सिलेबस नहीं दिखेंगे ब्रांचेस के यू विल हैव टू सी जो सिलेबस एक दिया हुआ है कि इनके सिलेबस ऑल टूगेदर एक जैसे होते हैं दे आर वेरी गुड तो सी एस जनरलाइज सिलेबस है जितनी भी ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिमिलर सिलेबस रहता है बस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल एंड सिविल के सब्जेक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि मैकेनिकल चीज़ों को डेवलप हम कैसे करेंगे क्योंकि आप समझ रहे हो अगर हमें मैकेनिकली कुछ डिज़ाइन करना है फॉर एग्जांपल मेरे को ये माइक डिज़ाइन करना है तो मेरे को उसको डेवलप करना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर तो कंप्यूटर के ऊपर जो फंक्शंस होंगे जब मैं क्लिक करूँगा इसको इसका गोल बनाऊँगा इसको एक्सट्रूड करूँगा तो कंप्यूटर कैसे करेगा उसका वो जो सॉफ्टवेयर है वो कौन बनाएगा तो इसलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को ये पढ़ा दिया जाता है एक्स्ट्रा कि आप चाहो तो ये आपके पास बेनिफिट है बट अगर ऊपर वाले भी जो दो लोग हैं वो भी ये कर सकते हैं तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कुछ भी मिसिंग आउट नहीं होता कमिंग टू कंप्यूटर साइंस जो यहाँ पे ट्रिपल आई टी लखनऊ में है फ्रॉम आ इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है बहुत हाई सैलरीज मिल रही हैं बट केवल हाई सैलरीज़ के लिए मत पढ़िए सब्जेक्ट के लिए पढ़िए क्योंकि सब्जेक्ट की डेप्थ डिसाइड करेगी कितनी हाई तक आप जा पाओगे क्योंकि एक टाइम के बाद जाके आप स्टैग्नेंट हो जाओगे एंड टिल द टाइम योर थर्टी फाइव फोर्टी यूल बी अर्निंग उसके बाद सडनली पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी आपके लिए एंड यू स्टार्ट ऑफ थिंकिंग कि मेरे को काम में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसलिए अपने सब्जेक्ट में भी कमांड रखिए स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर क्योंकि कम छोटे स्टूडेंट्स हैं अपने आप दे कैन ट्राई एंड टेस्ट दे यू हैव हैव टाइम बिकॉज आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर से ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ समझते दैट इज सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का फर्स्ट है ना थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये जो है यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं तो यहाँ पे पढ़ाई करिए और उसके अलावा आपके पास काफ़ी टाइम फ्री टाइम रहेगा जिसमें यू कैन लुक इन टू कि फाइनेंस का क्या होता है सेबी क्या करती है रेगुलेटरी बॉडी इन्वेस्टिंग कहाँ से करी जाती है टैक्सेशन कैसे किया जाता है तो आप लोग आपको कंपनी लॉ एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अ स्टार्टअप कैसे करना है ये नॉलेज अगर आ जाएगी सो यू कैन ऑल्सो हैव अ स्टार्टअप बिकॉज आप अगर कहीं भी जाते हो वेर एवर यू गो वाई एम सेंग दिस इज़ फ्रॉम एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव कहीं भी आप जाते हो फ्रॉम ट्रिपल आई टी लखनऊ इवन इफ यू आर एट मे बी अ कंपनी विच इज़ दे विल नॉट टेक यू इन टू अपर मैनेजमेंट कम इंडिया में जो बाहर की कंपनीज uh, हैं जो बहुत हाई पैकेज देती है वो ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टीन से ही आई हैं बाकी कंपनीज एकदम से इतना हाई पैकेज अगर देंगी भी तो बेस सैलरी कम रहेगी लेट्स से इफ़ यू इवन हैव समथिंग अर्निंग ऑफ टू लैक्स इन योर हैंड टुडे एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू कैन आल्सो हैव अ स्टार्टअप विच यू कैन ट्राई एंड टेस्ट साइमल्टेनियसली हैव दैट जॉब ट्राई दिस साइमल्टेनियसली एंड दिसज ऑल्सो पोटेंशियल दैट यू कैन अर्न अ बिट मोर देन टू लैक्स इन हैंड तो बट उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगी फॉर एग्जाम्पल मैं आजकल जो चल रहा है उसके बारे में अगर बात करूँ कई एडटेक्स चल रहे हैं तो एडटेक्स में टीचर के अलावा जो पूरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर बिजनेस सिस्टम्स कंप्यूटर सिस्टम्स इनकी नॉलेज के साथ वाले जो लोग होंगे द स्किल्स वाले लोग होंगे दे कैन हेल्प और द बेस्ट पार्ट इज़ वेन यू स्टार्ट जब आप स्टार्टअप करते हो तो आपको हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच नहीं करनी होती देर आर कंपनीज जो ये कर रही होती हैं अगर आपको नॉलेज है तो आप उनसे बात करने में आपको समझ में आएगा एंड यू विल नॉट बिकम अ फूल इन प्राइजिंग आप सही प्राइस पे ले आओगे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो आप ट्रबल शूटिंग कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम क्यों राइज करी है दैट्स वाई एम सेंग कि स्टार्टअप करा जा सकता है एंड स्टूडेंट्स जो यहाँ जा रहे हैं दे कैन अफोर्ड दैट रिस्क कि हम एक बार स्टार्टअप करके देखें बिकॉज उसमें फ्रीडम ज़्यादा होती है एंड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है बट डेफिनेटली जॉब के साथ साथ स्टार्ट करना चाहिए सो दैट इट यू हैव टाइम टू एक्सपैंड गवर्नमेंट जॉब में मुझे नहीं लगता यहाँ बात करने की ज़रूरत है एकेडमिक्स का सिलेबस इज गिवन देयर वेरी गुड सिलेबस उसमें कोई ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली दे डोंट हैव सम ऑफ समी टॉपिक्स क्योंकि वो एम में पढ़ाए जाते हैं जो शायद इंडस्ट्री के जॉब्स में और हायर पैकेजेस लाएँ वो एम टेक पे uh, रहते हैं और स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली चलती है तो मैंने प्लेसमेंट की बात कर ली है सो थैंक यू वेरी मच दिस इज़ करियर कुल एंड आई एम सागर आनंद योर करियर काउंसलर थैंक यू वेरी मच